हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राउंड कट ब्लाउज, राउंड कट जो बेल्ट होती है उसकी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग है। देखिए, बैक पल्ला था जिसको मैंने तैयार कर लिया। अगर इसको आपको डिज़ाइन चाहिए तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे मैंने बैक पल्ला में बोट नेक रखा है, इसलिए आपको 7 इंच लेना है। बोट नेक में 7 इंच लेते हैं और इसकी आर्म होल की जो लंबाई है वो भी 7 इंच रखनी है। अब यहाँ से चेस्ट देखिए, चेस्ट हमारा 34 है तो 8.5 उसका फोर्थ पार्ट आता है। 1/2 इंच में पीछे जाना होता है बोट नेक जब हम बनाते होते हैं, जब हम शोल्डर लेते हैं फुल। इसलिए अब ये 1/2 इंच लेने के बाद इसको इस तरह से राउंड शेप दे देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ से आपको 1/2 इंच डाउन करना होता है। जब भी हम इस तरह से फुल आर्म होल लेते हैं जो हमारा शोल्डर होता है, तो हमें 1/2 इंच डाउन करना होता है। अब इससे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा मार्किंग होता है ना मार्जिन के लिए, उसके लिए। अब आपको गला तैयार करना है तो देखिए, यहाँ पर 3.5 भी ले सकते हैं या 3। उससे बेटर है कि आप पहले इसको माप लें कि कितना आपका बैक पल्ला में है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने बैक में, मुझे याद भी नहीं आ रहा, वैसे मैंने लग रहा है कि मैंने 3 इंच लिया था गला, तो मैं यहाँ पर भी 3 इंच ही रख लूँगी। तो 3 इंच रख के इसको मैं मेज़र कर लूँगी बैक पल्ले से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 इंच से ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर माप के दिखा दूँ तो 3 इंच आपको गले की डीप रखनी है जो आपकी उसकी। अब लंबाई जो है ना, फ्रंट में आपको 6 लेना है 6.5, बट मुझे यहाँ पर 5.5 फिटिंग आती है तो मैं 5.5 ले रही हूँ। अब इसको आपको राउंड शेप दे देना है। आप अगर वी बनाना चाहते हैं तो वी भी बना सकते हैं। अब यहाँ से इसको इस तरह से जो डाउन किया, इसको इस तरह से तिरछा मिला देना है। देन इसके बाद देखिए, एक्स्ट्रा जो आपका क्या काम आ जाता है, इसके बाद हमें राउंड कट बेल्ट बनाना है। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से नापना है और सबसे पहले आपको कप साइज जो होता है एपेक्स पॉइंट वो लेना है। तो ये हमारा जैसे बेल्ट के नीचे कहाँ तक बेल्ट के पार्ट आता है वो 12 पे 11 पे ले सकते हैं, बट अगर आप 12 पे ले रहे हैं तो सबसे बेटर है क्योंकि हमें 11 से उसको डाउन करना होता है। तो हम 12 वाला निशान लगा लेंगे। जब भी बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, 12 के नीचे बेल्ट लगता होता है। अब जो हम क्या करेंगे, 2 इंच इधर से ऊपर जाएंगे और इधर से हमें 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। दोनों साइड से 2-2 इंच, पहले हम यहाँ पर फिटिंग वाला जो मार्जिन वाला है उसमें निशान लगा लिया, 2 इंच इधर और 2 इंच। देखिए, यहाँ भी हमने 2 इंच रखा था, दोनों साइड से हमें 2-2 इंच ही रखना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखिए इधर और दोनों साइड में 2-2 इंच लिया है, यहाँ पर हमें इस तरह से मिलाना है राउंड शेप में। ये इधर से लाना है और ये इधर से लाना है। अब इन आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, इसको इस तरह से आपको एकदम राउंड शेप मिला देना है। इतना मिला दिया, देन इसके बाद आपको क्या करना है, मिलाने के बाद आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, बट अगर कट नहीं करना चाहते पहले तो आप मार्किंग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको, तो हमारा कमर जो है 30 है, तो उसमें हमें 7.5 चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा हमारे पास पॉइंट है। तो पहले आपको 5.5 यहाँ से निशान लगाना है, उसके बाद इसके पीछे आपको 2.5 इंच या 2 इंच ले सकते हैं। तो 2.5 इंच हम यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे। अब 2.5 इंच का हम हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद जो ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा, अब क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट्स यानी कि दोनों टैक्स पॉइंट लगेंगे इस तरह से। ये वहाँ से 4 इंच ऊपर जाएगा और ये हमारा टैक्स पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से एक तिरछा 3 इंच का निशान लगाना है और ये हमारा दूसरा टक्स होगा, और यहाँ से भी 3 इंच का निशान लगाना है, ये हमारा तीसरा टक्स हो जाएगा। 2-2 उंगल का डिफ्रेंसिस आ रहा है दोनों तीनों के बीच में। अब ये देखिए, हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग की बारी आती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से मैं ये कट कर रही हूँ, तो ये आप चाहें ना तो थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर सकते हैं ऐसे, लेकिन तिरछा ही बनाइएगा। अब ये सबसे पहले बेल्ट को कट करेंगे और बेल्ट को कट करने के बाद हम इसको डायरेक्ट कपड़े पे जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर कट करेंगे। सबसे पहले हम इसका गला कट कर लेते हैं और उसके बाद हम की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better. Cause we might still be together before we split. तो अब आपको मेन फैब्रिक ले लेना है और इस पर आपको एक एक पार्ट जो है रख देना है इस तरह से। तो ये हमारा ऊपर वाला पल्ला है,
इसको इस तरह से रख दिया और नीचे वाले पल्ले को हम जो हमारा बेल्ट है राउंड वाला बेल्ट उसे हम नीचे के साइड में रख देंगे। एकदम अच्छे से आपने सेट करके रखना है ताकि आपका मिस्टेक ना हो कटिंग में। देखिए हमारा अस्तर थोड़ा बड़ा है तो उसमें आप देखिएगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर जा रहा है तो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ है। अब इसको इस तरह से रख देना है और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है जैसे हमने कट किया था। अब इसके बाद हमें दूसरे पल्ले पर भी इस तरह से निशान लगा लेना है ताकि हमारा दूसरा अस्तर वाला पार्ट, क्योंकि हमें जब स्टिचिंग के टाइम दिक्कतें ना आई तो इस तरह से हमने दूसरे पल्ले पर भी दूसरा वाला पार्ट पर भी निशान डाल लिया छापा डालकर। अब बारी आती है इसको सिलने की, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो दोनों मेन फैब्रिक जो है ऊपर वाला पार्ट उसको ले लेंगे और उसके साथ एडजस्ट करेंगे इस तरह से अस्तर के साथ। अस्तर के साथ इन सभी पार्ट को इस तरह से हम बंद कर देंगे, सील देंगे, पक्का सिलाई नहीं कच्चा सिलाई लेकर सील देंगे। इसके बाद जो हमने टक्स लगाई है ना उस पर एक सिलाई लगाना है, अस्तर और मेन कपड़ा साथ में ज्वाइंट हो जाएगा तो टक्स जो हमारी लगाने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जितने भी हमने निशान लगाए ना उस पर दोनों को इस तरह से पकड़ के सिलेंगे, नहीं तो बाई चांस क्या होता है जब हम टक्स लगाते हैं तो सिलाई ऊपर वाले में लग जाती है, अस्तर में मेन कपड़ा में नहीं लगती। इस तरह हमने सभी में इस तरह से टक्स पर सिलाई लगा देना है बीच वाले पार्ट में। We were
अब बहुत ही इजी हो जाएगा। हमें इस तरह से पकड़ना है और सभी को टक्स लगा लेनी है, जो तीन तीन टक्स हैं दोनों ही पार्ट में। अब टैक्स लगाने के बाद बेल्ट लगाने की बारी आती है। तो बेल्ट लगाने का ट्रिक जो है बहुत ही आसान और इजी, बहुत ही सुंदर भी लुक आता है। तो आपने इस तरह से लेना है, मेन फैब्रिक को ऊपर रखना है और अस्तर वाले पार्ट वाला जो हमारा बेल्ट है उसको नीचे की तरफ रखना है दबाकर, और दोनों को एक साथ ही स्टिच करते जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बेल्ट लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा जितना था उसको मैंने कट करके साइड कर दिया है। अब हमें इसमें लगाने हैं हुक पट्टी, आई पट्टी, और उसके साथ ही हमें नीचे बेल्ट जो लगाने हैं, यानी सॉरी बेल्ट नहीं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करके नीचे हम हुक हेम हम करते हैं उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर हुक और आई पट्टी लगा लेना है। देन उसके बाद मैंने नीचे वाले पार्ट, कमर वाले पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करके फोल्ड कर देना है, और उसके बाद गला भी तैयार कर लेना है।
should have known that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better. Cause we might still be together before we split up. Always believed we would never. Till the afternoon, till the afternoon. That was when the moon started to become blue. Oh. Hasn't known, always been this wrong or this bad. But after some time, I realized you and I were in the match. You should have loved me better. Should have loved me better. Cause we when the moon started to become blue. Oh, so I surrendered. Cause I couldn't see things getting better. No, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon, in the afternoon. Did what I could do, now you're in my rearview. Yeah. Ooh, don't turn it back. तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो राउंड कट बेल्ट वाला ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है, फ्रंट पल्ला। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर फ्रेंड्स नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं अगेन दोबारा वीडियो बना दूंगी। तो इस तरह वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।